घर के दिन तेरे हवाले। अच्छा अच्छा ओके ओके, आप प्लीज तो देखिए, उसने कुछ नहीं किया है। प्रजात का कोई कसूर नहीं है। वो क्या रहा है? अगो जान हुआ क्या है? एक्सक्यूज मी, आप मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े? असल धमाका खेज मवाद दुल्हन वालों के पास है। बीबी हमें सिर्फ दुलाई चाहिए। नो नो नो, निकलो बेटा यहाँ से। चलो भागो। चल 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 चल। प्रजात ने कुछ नहीं किया है। अरे कहाँ लेटे हुए दूल्हे साहब, बाहर तो आ जाइए। मैं आप लोगों को 100% सच बता रहा हूं कि ये बंदा शादीशुदा है। और इसने लव मैरिज कर रखी है। लव मैरिज? जी हाँ, एक बार इसकी बीवी मेरे थाने आई थी और ये आधी रात को नींद से उठकर उसको लेने आया था। आधी रात को? और वो भी मेरा फरजाद? जी हाँ, आपका फरजाद। और इसकी बीवी तो इसकी बहुत शिकायतें लगा रही थी, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इस हद तक गिर जाएगा कि एक बीवी और बच्चे के होते हुए दूसरी शादी का प्लान कर लेगा। बच्चा भी है? तौबा तौबा, हम तो फरजाद को बच्चा समझ रहे थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, हमारा फरजाद ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, फरजाद तो शादी के नाम से भी घबराता था, ये छुप के और वो भी लव मैरिज कैसे कर सकता है? जी जी, वही तो, सिर्फ शादीशुदा बंदे इस तरह शादी के नाम पर चिढ़ता है। और फरजाद यार, ये थी तुम्हारी मीटिंग्स? और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बंदा अपनी बीवी के बुलाने पे ही इस तरह भाग भाग कर जाता है। देख लिया आपने मीटिंग्स का नतीजा? और उस नतीजे का नाम है फरमीत। क्या? फरमीत? फरमीत? Please stop. मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। आई एम गोइंग टू फेंट। फरजाद, अगर तुम वाकई शादीशुदा हो तो तुमने ये सब कुछ उम्मीद के साथ क्यों किया? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अरे सर, ये क्या बोलेगा, इसे तो हम थाने ले जाकर बुलवाएंगे, फिर देखिएगा आप। बहरहाल आप परेशान ना हो और जाकर अपनी बेटी को हौसला दें और खुदा का शुक्र करें कि वक्त पर आप लोगों की जान बच गई। एक सेकंड, ये सब झूठ है, दिस इज ऑल अ लाई। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। देखें जी, जो आपका दिल चाहे करती रहिए, लेकिन जरा थाने भी तशरीफ ले आइएगा। चलो बैठो गाड़ी में, लेके चले इसको, बड़ा दूल्हा बन के फिरता है। मैं कॉल कर रही हूँ, इट्स ओके। बोलिए ना, प्रजात